गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमने शुरू किया अपने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8, जीव जनन कैसे करते हैं। और पहली वीडियो में मैंने बताया कि जनन करने के दो तरीके होते हैं, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो हमने अलैंगिक जनन शुरू किया था और मैंने बताया था कि अलैंगिक जनन के 6 अलग अलग प्रकार हैं, जिनमें विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु निर्माण, पुनर्उद्भवन तथा कायिक प्रवर्धन। तो इसमें से विखंडन हम पढ़ चुके थे कि विखंडन दो प्रकार का होता है, द्विखंडन तथा बहुविखंडन। द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लेशमेनिया में। बहुविखंडन होता है प्लाज्मोडियम में, जो मलेरियल पैरासाइट होता है, जो मलेरिया फैलाता है, और अमीबा में एडवर्स कंडीशन में भी बहुविखंडन हो सकता है। तो हमने विखंडन पढ़ लिया था, अब हम शुरू करते हैं मुकुलन। ठीक है, मुकुलन क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं बडिंग। बडिंग, बडिंग का मतलब क्या? बड क्या होती है? बड होती है कली, क्योंकि कली बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्लांट के अंदर। कली बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों? क्योंकि जब स्टार्टिंग पे पौधे का निर्माण होता है तो एक कली ही निकलती है, और कली जब कोई टहनी निकलनी होती है तब भी एक बड ही निकलती है। तो जब भी कोई नई चीज का निर्माण होता है प्लांट के अंदर तो एक बड का बनना बहुत जरूरी होता है। तो एक बड से नए पार्ट का, या ये कह लोगे पूरे के पूरे पौधे का निर्माण होता है। तो मुकुलन या बडिंग, मुकुलन में होता क्या है, ये किसके अंदर होता है? देखो ये होता है हाइड्रा के अंदर। उदाहरण है, उदाहरण ही पेपर में आते हैं, हाइड्रा में मुकुलन से अलैंगिक जनन होगा। और ये होती है यीस्ट। यीस्ट का प्रयोग हम इंडस्ट्रीज में वाइन बनाने में करते हैं, शराब बनाने में किया जा सकता है, या फिर ब्रेड या बिस्किट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक सेल, एक कोशिक जीव है, मतलब ये है यूनिसेलुलर एक कोशिक जीव, और ये होता है मल्टीसेलुलर बहुकोशिक जीव। तो ये बडिंग इसमें भी होती है और बडिंग इसमें भी होती है, अंतर क्या दोनों में? ये एक कोशिक जीव है, ये बहुकोशिक जीव है। तो हम पहले बात कर लेते हैं किसकी? हाइड्रा की। तो ये हाइड्रा है, पानी में रहने वाला जीव है, सेलेंट्रेटा का मेंबर है। हम पढ़ रहे ना 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सेलेंट्रेटा। तो फाइलम सेलेंट्रेटा में आता है। तो इस प्रकार इसकी बॉडी होती है, ये नीचे से फिक्स रहेगा किसी सबस्ट्रेटम पे, किसी सतह पे चिपका रहेगा। ये इसका माउथ होता है यहाँ पे, और ये होती है टेंटेकल्स। टेंटेकल्स मतलब इसके धागे से निकले रहते हैं, ये बीटिंग करते रहते हैं ताकि कोई अपने भोजन को, किसी ऑर्गेनिज्म को पकड़ के ये इसके अंदर खींच सके, मुंह के अंदर ला सके, टेंटेकल की मदद से इसके अंदर लेके आता है। तो जब ये रिप्रोडक्शन करेगा किस से? मुकुलन विधि द्वारा। तो इसकी बॉडी के कोई पार्ट से एक उभार निकलना शुरू होगा, जैसे ये उभार निकलना शुरू हुआ है इसमें, तो इसको बोलते हैं बड। इसको क्या बोलेंगे? ये निकली क्या है? बड है ये, या हिंदी में कहेंगे ये मुकुल है, मुकुल या बड। तो ये एक उभार निकला, धीरे धीरे ये उभार वृद्धि करता है, मतलब ये बढ़ता रहेगा। कैसे बढ़ता रहेगा? ये थोड़ा और बढ़ेगा ऐसे, इस प्रकार से, फिर थोड़ा और बड़ा होगा इस प्रकार से, फिर इसके ऊपर टेंटिकल्स आ जाएंगे वृद्धि करके, धीरे धीरे इसमें टेंटिकल्स आ जाएंगे, और इसका माउथ भी बन जाएगा, इसका मुंह भी बन जाएगा। जब ये खुद से फीडिंग करना शुरू कर देगा, मतलब खुद से खाना खाना शुरू कर देगा, तो यहाँ से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और एक नए हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार यह हाइड्रा में मुकुलन होता है। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं यीस्ट में। यीस्ट क्या है? एक कोशिक जीव। मैंने बताया शराब बनाने, बिस्किट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। हम इसकी ग्रोथ को, किसकी? यीस्ट की ग्रोथ को हम खुद से भी देख सकते हैं किस प्रकार। जैसे हम पानी लेंगे, उसमें चीनी डालेंगे, उसको अच्छे से गोल लेंगे, और उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर आता है, उसको डाल के 3-4 दिन के लिए रख देंगे, तो उसमें यीस्ट की ग्रोथ हो जाएगी। फिर उसमें से एक ड्रॉप निकाल के स्लाइड पर रख के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें यीस्ट के रिप्रोडक्शन की स्टेजेस दिखाई दे जाएंगी। तो यीस्ट करती है रिप्रोडक्शन कैसे? बडिंग द्वारा, मतलब मुकुलन विधि से। ऐसे जैसे इसमें हुआ था, इसमें भी एक उभार निकलेगा इस प्रकार। पहले उभार निकलेगा, फिर ये उभार धीरे धीरे बड़ा होगा, और फिर इसका जो एक केंद्रक है, इस केंद्रक में विभाजन होगा। मतलब ये पहले ऐसे थोड़ा सा खींचेगा, फिर और ज्यादा खींचेगा, जैसे दिखाया मैंने,
और फिर ये बीच से टूट जाएगा तो एक केंद्रक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा। अब जब ये डॉटर सेल इसकी बन जाएगी, मतलब इसकी संतति कोशिका का निर्माण हो जाएगा, तो आगे संतति कोशिका एक नई बड का निर्माण शुरू कर देगी, मतलब एक नए मुकुल का निर्माण शुरू कर देगी। ये इससे भी अलग नहीं होती, उससे पहले ही इसकी संतति कोशिका एक नए मुकुल का निर्माण करना शुरू कर देती है। तो एक ज्वाइंट सी स्टेज बन जाएगी, मतलब जैसे एक के ऊपर एक ऐसी स्टेज हमें दिखाई देगी। तो ये बडिंग है किसमें, ईस्ट के अंदर। तो ये एक कोशिका, ये एक कोशिका, फिर उससे एक कोशिका, फिर उससे आगे एक कोशिका, इस प्रकार फिर ये सारे डिटैच होके और नई कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। इस प्रकार ईस्ट में मुकुलन होता है। चित्र पेपर में कई बार आ चुका है कि ईस्ट मुकुलन किस प्रकार होता है, उसको चित्र की सहायता से समझाइए, या हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होगा उसको भी एक चित्र द्वारा समझाइए, ठीक है। तो ये जो उभार निकलता है इसको बोलते हैं मुकुल, जो स्टार्टिंग में निकलता है इसको क्या कहेंगे, मुकुल। और विधि का क्या नाम है, मुकुलन। उदाहरण याद रखना किसमें होता है, हाइड्रा में और यीस्ट में, ठीक है। अगले हमारा क्या है, खंडन। खंडन एक हमने पढ़ा विखंडन, एक है खंडन। खंडन किसमें होता है, खंडन होता है शैवाल में। शैवाल क्या, पानी में देखा होगा आपने काई सी पड़ी रहती है हरे हरे से रंग की, लंबे लंबे धागे से होते हैं वो होते तो मल्टी सेलुलर है, होते तो बहुकोशिक जीव है, लेकिन उनमें क्या होता है कि एक कोशिका के बाद दूसरी कोशिका, दूसरी के बाद तीसरी कोशिका, उसमें सिर्फ कोशिकाओं का समूह होता है लंबा। जैसे ये एक कोशिका है, उसके बाद ये कोशिका, फिर ये कोशिका, फिर ये कोशिका, ये इनका क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट रिबन शेप होता है, जिस प्रकार रिबन होता है ना, इस प्रकार इसमें क्लोरोप्लास्ट लिपटा हुआ सा पड़ा रहता है, ये इसका केंद्रक है, ये सारा क्लोरोप्लास्ट है। तो ये एक लंबी संरचना बनती है, ये शैवाल है। स्पायरोगायरा, शैवाल के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे एक स्पायरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, क्लेमाइडोमोनास है, बहुत सारे उदाहरण हैं शैवाल के। मैं तो एक शैवाल का उदाहरण उठाया, मैंने उठाया है जिस उसका नाम है स्पायरोगायरा। तो शैवाल जो है कोई एक जीव का नाम नहीं है, ये याद रखना, शैवाल एक समूह का नाम है। तो उसमें एक स्पायरोगायरा, एक शैवाल हमने ले लिया, ये स्पायरोगायरा का चित्र है। अब जब ये पानी में होता है तो वाटर करंट से, अगर मतलब क्या कि पानी अगर तेज चलता है तो उस तेज बहाव से अगर ये बीच से टूट जाए, यहाँ से कहीं से टूट जाए, तो ये दोनों पार्ट नई शैवाल का निर्माण कर लेते हैं। देखो इसमें है भी क्या, इसमें सिर्फ कोशिकाएं हैं, अगर ये दो पार्ट में से टूट गया तो इससे नई कोशिकाएं आगे बनना शुरू हो जाएंगी, ये भी इधर भी नई कोशिकाएं बनाने, उधर भी नई कोशिकाएं बन जाएगी, तो एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ये होता है कि इसके अंदर स्पायरोगायरा में, स्पायरोगायरा क्या है, एक शैवाल है। इस विधि को बोलते हैं खंडन विधि, ठीक है, टुकड़ों में टूटना। अब हम पढ़ते हैं भाई बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण देखो ये होता है, एग्जाम्पल पहले बता देता हूं मैं कि बीजाणु निर्माण किस में होता है। बीजाणु निर्माण होता है कवक में, फंजाई के अंदर, मेनली फंजाई में होता है। बहुत सारे जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें भी बीजाणु निर्माण होता है, जैसे स्टार्टिंग के जो हमारे इनिशियल प्लांट्स हैं, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, उनमें जो रिप्रोडक्शन होगा, मतलब जनन होगा, वो बीजाणु निर्माण बीजाणु से ही होता है। तो हम उन पौधों में नहीं पढ़ेंगे, हम उदाहरण लेके चलेंगे किसका, कवक का, कि ये कवक में होता है। कवक क्या, आपने कई बार ब्रेड के ऊपर लगी हुई फफूंद देखी होगी हरे हरे से रंग की, फिर पहले हरे रंग की होती है, फिर वो ब्लैक रंग की हो जाती है, वो होती है कवक। तो एक कवक का, जैसे कवक एक जीव का नाम नहीं है, कवक भी एक समूह का नाम है। उसमें हम एक उदाहरण पढ़ेंगे, और उदाहरण क्या है, उदाहरण है राइजोपस। जैसे बीजाणु निर्माण, बीजाणु निर्माण हुआ किसमें, कवक में। एक कवक का उदाहरण ले लेंगे, क्या है, राइजोपस। राइजोपस इसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड, ठीक है भाई। अब ये होता क्या है, अगर हम माइक्रोस्कोप में एक कवक का चित्र देखें,
या कवक को माइक्रोस्कोप में देखे तो क्या हुआ, उसमें हमें ऐसे धागे जैसी संरचनाएं लिपटी हुई दिखाई देंगी नीचे, इस प्रकार धागे से दिखाई देंगे, इनको बोलते हैं हाइफा, ये हाइफा होते हैं। जब ये मतलब ग्रोथ कर लेती है अपनी पूरी मैच्योरिटी पे होंगी, तो इनमें से कोई हाइफा वो ऊपर की तरफ उठेगी और अपने ऊपर एक ऐसी रचना बनाएगी, और उठेगी वो भी अपने ऊपर इस प्रकार संरचना बनाएंगी। कब? जब ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में आएंगी, मतलब जनन करने वाली स्टेज में आती है तो इस प्रकार संरचनाओं का निर्माण करती है। ये जो संरचना बनी है इसके ऊपर, इसको बोलते हैं बीजाणुधानी, बीजाणुधानी। और इस बीजाणुधानी में छोटे छोटे से राउंडेड स्ट्रक्चर, छोटे छोटे दाने से बनते हैं, उनको बोलते हैं, ये होते हैं बीजाणु, ठीक। जब बीजाणु पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं तो बीजाणुदानी फट जाती है और सारे के सारे बीजाणु हवा में फैल जाते हैं, इस प्रकार हवा में फैल जाएंगे। अब ये हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं, और जहाँ भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, मतलब नमी और खाना मिलेगा, जैसे ब्रेड मिलेगा कहीं पे, तो वहीं उसी के ऊपर गिर जाएंगे और वहाँ पे जर्मिनेट होना शुरू कर देंगे। स्टार्टिंग में बनाएंगे इस प्रकार ये धागे जैसी संरचनाएं, हाइफा बनाएंगे। फिर हाइफा जब अपनी मैच्योरिटी स्टेज में पहुँच जाएगा तो इससे एक उभार निकलेगा जो बीजाणुधानी बनाएगा, फिर उसके अंदर बीजाणु बनेंगे, फिर बीजाणुधानी फटेगी और उन बीजाणुओं से आगे नई कवक का निर्माण होगा। अब ये जो बीजाणु है इनसे जनन के कुछ फायदे हैं, क्या फायदे हैं? देखो भाई, जो बीजाणु होता है वो बहुत ही हल्का होता है, हल्का होने के कारण यह वायु के साथ एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाता है, इसलिए ये डिस्पर्शन में मदद करता है। डिस्पर्शन का मतलब होता है भाई एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में। सभी जीव अपनी संतति को अधिक से अधिक पैदा करना चाहते हैं, सभी जगह पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग अलग मेथड अपनाते हैं। जैसे पौधा फ्रूट्स जो बनाता है वो उसका जनन करने का एक तरीका है, ताकि कोई जीव आए उसके फ्रूट्स को ले जाए और बीजों को कहीं फेंक दे जिससे उसकी संतान वहाँ उत्पन्न हो जाए। तो इनमें भी ये तरीका है कि ये बीजाणु बनाते हैं, ये बहुत हल्के होते हैं, हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो ये डिस्पर्शन में भी मदद करेंगे, मतलब डिस्पर्सल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। दूसरा, इनकी जो आउटर कवरिंग होती है किसकी, बीजाणुओं की। जैसे मैं ये कहूँ कि ये एक बीजाणु है तो इनकी जो आउटर कवरिंग होती है ये बहुत ही हार्ड होती है, सख्त होती है, इसके ऊपर टेम्परेचर का भी कोई असर नहीं होता, मतलब बाहर चाहे बहुत अधिक टेम्परेचर हो जाए या बहुत कम टेम्परेचर हो जाए तब भी इस बीजाणु के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब ये मरेगा नहीं। क्योंकि ऊपर बहुत हार्ड कवरिंग है, सख्त है, जिसके ऊपर एनवायरमेंटल कंडीशन का कोई असर नहीं होता, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर जाता है। ये भी बीजाणु का एक लाभ है, बीजाणु निर्माण विधि द्वारा जो भी जनन करते हैं उनका फायदा ये है कि जो बीजाणु होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं। और दूसरा मैंने बताया, ये एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में भी मदद करते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है भाई, बात समझ में आई। देखो इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है, और इसको बोलते हैं जो ये धागा से निकलता है इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, और ये जो बनते हैं बीजाणु इनको बोलते हैं स्पोर्स, तो स्पोर फॉर्मेशन, बात समझ में आएगी। अब ये तो हो गया बीजाणु निर्माण किस में, कवक में। अब हम पढ़ते हैं पुनर्उद्भवन, पुनर्उद्भवन, पुनर्उद्भवन दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः उद्भवन, मतलब अगर किसी का कोई जीव का कोई पार्ट टूट जाए तो वो पार्ट दोबारा से आ जाएगा, उसको बोलते हैं पुनर्उद्भवन। कैसे, हम उदाहरण लेके चलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रीजेनरेशन, रीजेनरेशन। सभी जीवों में रीजेनरेशन की क्षमता होती है, किसी में वो कम होती है, किसी में बहुत अधिक होती है, हमारे अंदर भी रीजेनरेशन की क्षमता है। जैसे हमारी बॉडी का कोई पार्ट, मान लो हमें खरोंच लग जाती है तो वो घाव भर जाता है,
तो वो रीजनरेशन ही है एक तरह से ही समझ लो। जैसे हमारे बाल टूट गए हैं, नाखून कट गए हैं, वो दोबारा आ जाते हैं, तो रीजनरेशन की थोड़ी बहुत क्षमता सभी में होती है, सभी जीवों में, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें रीजनरेशन की क्षमता बहुत अधिक होती है, वही हम पढ़ते हैं। तो पुनर्उद्भवन में क्या होता है कि जीव अगर अलग अलग भाग में टूट जाए, जैसे मैंने ये खंडन में ही बताया था और पुनरुद्भवन में भी मैं ये बता रहा हूँ, जैसे आपने एक जीव देखा होगा इस तरह से, इसका चित्र आपने देखा भी होगा भाई ये किताब में बना हुआ, इस प्रकार का एक जीव होता है, ये होता है प्लानेरिया, इसको क्या बोलते हैं प्लानेरिया, दिखाई दे रहा है प्लानेरिया है, ये थोड़ा सा ऊपर बनाना था, तो प्लानेरिया है, ये फ्लैट वर्म में आता है, फ्लैट वर्म में, इसको देखो ध्यान से, बस इतना ही है, ये है प्लानेरिया। तो प्लानेरिया इसमें क्या होता है, पुनर्उद्भवन होता है, कैसे, अगर प्लानेरिया यहाँ से कट जाए, ये यहाँ से कट गया मतलब इसकी खोपड़ी खोपड़ी ऊपर रह गई और एक यहाँ से कट गया, ये मतलब इसका हिस्सा नीचे रह गया, तीन पार्ट में टूट गया, ये खोपड़ी निकल गई ऊपर, तो ये इस प्रकार से ये तो भाई खोपड़ी रहेगी इसकी और बीच में ये पार्ट हो गया और एक ये नीचे ये पार्ट बन गया, मतलब तीन पार्ट में प्लानेरिया टूट गया। लेकिन इसके अंदर रीजनरेशन की इतनी पावर है कि जो ये ऊपर का पार्ट है, ये हेड जो है, ये हेड था, जैसे मैं ये कहता हूँ कि ये हेड है भाई, ठीक है, तो ये हेड नीचे वाला सारा का सारा पार्ट बना लेगा इसे, तो मतलब एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, किससे, हेड से, जो पार्ट नहीं होगा वो बन जाएगा, जैसे जो बीच वाला पार्ट था ये तो ऐसे टूटा था ना, तो ये ऊपर वाला पार्ट बना लेगा और नीचे वाला पार्ट बना लेगा, तो नए और पूरा का पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, तो ऊपर वाला हेड बना लेगा भी ऐसे, ठीक है, और नीचे वाला पार्ट बना लेगा, तो नया ऑर्गेनिज्म बन गया, और जो नीचे वाला पार्ट था ये पूरा का पूरा ऊपर वाला पार्ट रीजनरेट कर लेगा, जिसमें बीच वाला पार्ट भी होगा और हेड भी होगा, तो इसको बोलते हैं पुनर्उद्भवन। थोड़ी बहुत क्षमता मैंने बताया सभी में होती है, प्लानेरिया में सबसे अधिक होती है ये, इसको अपने रिप्रोडक्शन के मेथड के तौर पे भी प्रयोग करता है, हालांकि दूसरे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बहुकोशिक जीव है, वो इस रीजनरेशन को एक जनन के तरीके के तौर पे प्रयोग नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपने बॉडी पार्ट को, कोई बॉडी का पार्ट अगर टूट जाए तो उस बॉडी पार्ट को दोबारा से रीग्रो करने में तो यूज कर लेते हैं, बट रिप्रोडक्शन के तौर पे प्लानेरिया इसको प्रयोग कर लेता है। कैसे कर लेता है, ये कई बार अपने आप को नीचे वाले पार्ट को किसी सबस्ट्रेटम में या किसी चट्टानों के बीच फंसा लेगा और ऊपर वाले पार्ट को खींच देगा, जिससे बीच वाला पार्ट टूट जाए और फिर दोनों पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये किसमें होता है, ये होता है भाई पुनर्उद्भवन। पुनर्उद्भवन हाइड्रा में भी होता है, मतलब क्या, अगर मान लो इसका कोई टेंटिकल टूट जाए तो वो टेंटिकल रीजनरेट कर जाता है, अगर इसकी बॉडी टूट जाए बीच में से तो इसकी भी बॉडी के दोनों पार्ट दोबारा से बन जाएंगे, तो हम इसको हाइड्रा को भी इसमें शामिल कर सकते हैं पुनर्उद्भवन में। तो पुनर्उद्भवन के दो एग्जाम्पल हैं, एक प्लानेरिया, प्लानेरिया भाई इंग्लिश में भी प्लानेरिया ही लिखना पड़ेगा, प्लानेरिया, ठीक है, और एक इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा होता क्या है, कैसे है वो मैंने बता दिया। जैसे आपने कई बार, आप छिपकली के पीछे अगर पड़ जाओ तो वो अपनी पूंछ को तोड़ देती है, वो उसके बचने का तरीका है, एक मेथड है जिससे वो अपने आप को बचा सकती है, तो वो रीजनरेशन है, क्यों, क्योंकि कुछ दिन के बाद उसकी नई पूंछ आ जाती है, लेकिन नई पूंछ जो आती है और जो पुरानी पूंछ थी उसमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। उसमें अंतर क्या होता है कि जो पुरानी पूंछ होती है उसमें हड्डियां होती है, जो नई पूंछ आती है उसमें हड्डियां नहीं होती, ये अंतर होता है, मतलब भाई पहले की चीज जो होती है स्टार्टिंग में जो साथ में आती है, बोलते हैं ना ओरिजिनल चीज है वो, तो अब नई जो डाली जाएगी वो तो कोई ना कोई टेम्परेरी ही होगी, ये समझ लो। हालांकि ऑर्गेनिज्म में ज्यादातर ऐसा नहीं होता, वैसे बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो पुनर्उद्भवन ये हो गया भाई कि अगर बॉडी दो या दो से अधिक भागों में खंडित हो जाए, टूट जाए, तो प्रत्येक भाग खोया हुआ भाग डेवलप कर लेता है और नए जीव का निर्माण हो जाता है, उसको बोलते हैं पुनर्उद्भवन। पुनर्उद्भवन में और खंडन में, देखो इसमें भी एक जीव दो या दो से अधिक भागों में टूटा, तो खंडन में और पुनर्उद्भवन में क्या अंतर, देखो खंडन जो होता है ये
जीव अपने आप नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं है कि ये रिप्रोडक्शन का एक मेथड ही है। इसमें क्या होता है कि जब बहुत तेज पानी आया तो ऑर्गेनिज्म टूट गया, मतलब ये समझ लो उसके साथ जबरदस्ती हुई है, वो अपने आप अपनी बॉडी को नहीं तोड़ता। किसमें? खंडन में। वो तो अगर टूट गया तो नया जीव बन गया, नहीं तो ये उसको एज ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज नहीं करता। ठीक है, पुनरुद्गमन हो गया। अब आ गया कायिक परिवर्तन। अब कायिक परिवर्तन क्या होता है वो हम देख लेते हैं, इधर ही देख लेते हैं। देखो एक प्लांट को अगर हम ध्यान से देखें, जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस प्लांट में नीचे जड़ें होती हैं और बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, ब्रांचेज के ऊपर बहुत सारे पत्ते होते हैं, ये हो गया इधर भी ये, और साथ में होता है भाई कुछ फ्लावर भी होते हैं, समझ लो ये फ्लावर है और ये भी फ्लावर है। तो एक प्लांट के दो मुख्य भाग होते हैं, एक होते हैं कायिक अंग, एक होते हैं कायिक अंग, एक होता है जनन अंग। मैंने बताया कि प्लांट के दो मुख्य भाग हैं, एक है कायिक अंग, दो मुख्य अंग है ये कह लो, एक है कायिक अंग और एक है जनन अंग। जो कायिक अंग होते हैं, कायिक अंग जड़ तना तथा पत्तियां, ये तीनों ही कायिक अंगों में आते हैं, और जनन अंग में आता है भाई पुष्प, मतलब फ्लावर, फ्लावर को बोला जाता है जनन अंग। उसको जनन अंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्लावर से प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और ये जो बाकी के पार्ट है जिनको हम कायिक अंग बोलते हैं, इन सब से जो रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब जो जनन करेगा, उसको बोला जाता है कायिक परिवर्धन। क्यों? क्योंकि ये कायिक अंग है, और कायिक अंग से अगर नया पौधा बनता है तो उसको बोलेंगे हम कायिक परिवर्धन। ठीक है भाई, बात समझ में आएगी। जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तने को काट कर, जैसे गुलाब की हमने तने को काट कर लगा दिया तो एक नया गुलाब बन जाता है, या गन्ने को काट कर हमने लगा दिया तो उससे नया गन्ना उत्पन्न हो जाता है। जैसे आपने गन्ना ऐसे देखा होगा ना, बीच बीच में गांठ सी होती है ऐसे, ये गांठ सी होती है ऐसे, और यहाँ पे ना एक बड होती है। मैंने बताया था अभी बड बहुत काम की चीज है, बड से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यहाँ पे एक बड होती है, आंख बोलते हैं उसको, अगर हम इसको काट के लगाएं तो ये आंख जो ये बड है ना, यहाँ से ये कटना नहीं चाहिए, अगर यहाँ से काटोगे तो बड कट जाएगी, फिर ये नया प्लांट नहीं बनाएगा। तो इसको यहाँ से काट सकते हैं ऐसे, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, तो ये जो बीच में बड है इसको मिट्टी में लगाओ, इसको लगाओ, तो इन दोनों से दो नए प्लांट निकल जाते हैं। इसको बोलते हैं कायिक परिवर्धन। किसमें होता है? ये तने में होता है भाई। तने में बहुत सारे तरीके हैं जिसमें प्लांट तने से नया पौधा बना लेता है। तो मैंने बताया गुलाब में जैसे होता है, और भी बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें होता, आलू होता है जैसे, आलू में भी, आलू में गड्ढे से होते हैं, जैसे आलू है ये इस प्रकार से, तो आलू में ऐसे गड्ढे से होंगे, तो इसको आलू की आंख बोलते हैं। यहाँ से अगर आलू को काट के लगाएंगे तो इसमें बड़ निकल जाती है। कई बार आपने देखा भी होगा आलू में पड़े पड़े में एक हरा सा पार्ट इसमें ग्रो कर जाता है, वो बड ही होती है, कली होती है। अब इसको काट के लगा देंगे तो इससे नया प्लांट निकल जाएगा। तो तने से नए प्लांट की उत्पत्ति हो सकती है, जड़ों से भी नया पौधा बन जाता है। मतलब बहुत सारी पौधे की जड़ें ऐसी होती है जो ग्राउंड में जैसे जैसे फैलती रहेंगी तो उनसे नया प्लांट निकल जाता है अपने आप में। जैसे शीशम का जो पेड़ होता है उसमें जड़ें फैलती रहेंगे और उससे नया प्लांट बन जाएगा, तो उसको कहेंगे कायिक प्रवर्धन। पत्तियों में भी हो सकता है, पत्तियों के उदाहरण है, जैसे एक उदाहरण है पेपर में बहुत आता है, उसको बोलते हैं ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम का एक ऐसा प्लांट है जिसमें कायिक प्रवर्धन पत्तियों से होता है। किस प्रकार होगा? जैसे ये पौधा है, उसकी पत्तियां इस प्रकार की होती है, किसकी? ब्रायोफिलम की पत्ती इस प्रकार से होती है। जब ये पत्ता अभी पेड़ पे ही है तो इसमें नहीं, ये जो इसके पत्ते की जो नोच होती है ना,
जो ये कोना सा होता है इसमें नई बड निकल आती है, इस प्रकार से ये बड आ जाएंगी। और जब ये पत्ता टूट के नीचे ग्राउंड पे गिरेगा यहाँ पे, तो ये जो बड आई है इस इन बड़ों से नया प्लांट निकल जाता है। इस प्रकार ब्रायोफिलम पत्तियों से कायिक प्रवर्धन करता है। तो ये तीन ही कायिक अंग है, जड़, तना और पत्तियां, और इन तीनों से अगर प्लांट नए पौधे को बनाता है या नए पौधे का जन्म होता है इन तीनों से, तो उसको हम कहेंगे कायिक प्रवर्धन। तो ठीक है भाई, कायिक प्रवर्धन, जो पुष्प होता है वो होता है जनन अंग, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया भाई, क्या अलैंगिक जनन। आगे हम पढ़ेंगे अब पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। मतलब जो ये मैंने बताया ना, कायिक अंग और जनन अंग, मतलब अब जनन अंग बाकी रह गया, तो जनन अंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमारा अलैंगिक जनन होगा खत्म। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आज के लिए थैंक यू।